तो असल आई होप आप सब खैरियत से होंगे तो काफ कॉमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि स्पेक्ट्रम लाइट्स होन्डा सेविक के जो पैनल है उसमें कैसे आ, एक्टिव की जाती हैं और क्या इनका सनैरी क्या सीन होता है मैं आज आप लोगों को बताता हूँ सिंपली आप लोगों ने सबसे पहले लाइक ये हम मैं आपको स्टार्ट से बता दें तो म्यूज़िक में गए और यहाँ से हम म्यूज़िक सेटिंग में चले गए और सेटिंग में आप यहाँ सिस्टम पर जाएँगे और देन यहाँ ऊपर सामने आपको स्पेक्ट्रम का ऑप्शन मिलेगा ये आप यहाँ से आपने ऑन कर लिया और यहाँ से आप ऑफ़ कर लेंगे और अभी सॉन्ग प्ले हुआ है और कुछ टाइम बाद ये अभी स्पेक्ट्रम आज तकरीबन पंद्रह सेकंड आए इसका इतना टाइम लगता है स्पेक्ट्रम जो है वो आ, सामने आ जाता है और ये आ, स्पेक्ट्रम अब इनेबल हो गया आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसकी आवाज़ ज़्यादा करेंगे स्पेक्ट्रम उसी तरह चलना शुरू हो जाएगा यहाँ से आप स्पेक्ट्रम की जो लाइट है वो यहाँ पर आप क्लिक करके सिंपली आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी की जो भी रखना चाहें और अब आ, कुछ जो फ़ेस वाले मॉडल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की कंप्लन आती है कि उन पर स्पेक्ट्रम आ, एक्टिव नहीं हो रहा तो सॉरी टू से बट अनफॉर्चुनेटली जो न्यू फेस वाले मॉडल में जिन्होंने इस पैनल को अपग्रेड किया है उसमें आ, स्पेक्ट्रम वाला सीन उन्होंने खत्म कर दिया आई नो आई डोंट नो क्यों क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आ, आ, एडिशन था और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की जो लुक है ड्राइविंग स्टेटस स्पेशली जो सिविक लोग लगाते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आता है बट मतलब जो फेस लिफ्ट वाला मॉडल है उसमें ये वाला सीन ख़त्म कर दिया गया है आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्री फेस लिफ्ट मॉडल थे उनमें ही ये आपको मिलेगा स्पेक्ट्रम वाला आपको ऑप्शन मिलेगा तो ये थी वीडियो उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़